अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों का। दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकॉन के बटन पे क्लिक कर दीजिए, शुक्रिया। नवाबजादा सिराज रईसानी शहीद, धरती का बहादुर सिपाही जिसकी तीन नस्लों ने पाकिस्तान पर अपनी जान कुर्बान की, जिसने 2011 में अपने जवां साला बेटे को दहशतगर्दी में खोया लेकिन लम्हा भर को भी मुल्क की खिदमत से न चूका, जिसने बलूचिस्तान की आवाम को जागीदारों और इंतहा पसंदों के झंडे से निकालकर सब्ज हिलाली परचम के साए तले इकट्ठा किया, जिसने हर उस मौके पर भारत को कड़ा जवाब दिया जब उसने बलूचिस्तान को हमसे अलहदा करने की बात की, जिसका जोश जज्बा और जुनून दुश्मन की आंख में खटकता था, जिसने बलूचिस्तान को पाकिस्तान का सबसे बड़ा परचम बनाने का एहसास दिलवाकर ये साबित किया कि बलूचिस्तान के लिए दुश्मन का हर प्रोपेगेंडा झूठा है और यहाँ का हर जवान उसी की तरह वतन से उनसियत और मोहब्बत रखता है, और यूं ही इसी परचम की मोहब्बत लिए वो इसी परचम में लिपट कर कौम और मुल्क के शहीदों में अपना नाम लिखवा गया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा ने सिराज रईसानी शहीद की खिदमात को सराहते हुए उन्हें नेशनल अवार्ड से नवाजने का ऐलान किया है। ये धरती और ये कौम बहुत बाहिम्मत है लेकिन ऐसे मुहिब वतन जाबाज खोने की मुतहम्मिल नहीं है। इन शहीदों के खून का कर्ज बहुत जल्द अब दहशत गर्दी के खात्मे से अदा किया जाएगा। अपनी मौत से कौम को हयात देने वाले पाकिस्तानी को कौम का सलाम। हम अपने पाक फौज के जवानों को ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि इंशाल्लाह आपके शाना बशाना इस पाक वतन के दिफा के लिए किसी भी कुर्बानी से गुरेज नहीं करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, बलोचिस्तान पांडाबाद।